दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एशिया कप की भारतीय टीम को देखकर भड़के भारतीय दिग्गज संजू और गब्बर को ना शामिल करने पर उगला बीसीसीआई पर जहर। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इस दौरान भारतीय टीम में शिखर धवन और संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया है, जिसको देखकर भारतीय दिग्गज भड़क उठे हैं। भारतीय दिग्गजों ने बीसीसीआई को जमकर फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने संजू और शिखर धवन को शामिल न करने पर क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और शिखर धवन में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम एशिया कप 2023 का टूर्नामेंट खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। एशिया कप 2023 30 अगस्त से 17 सितंबर तक चलने वाला है। इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इस दौरान भारतीय टीम के अंदर कप्तान रोहित शर्मा के साथ 16 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम के दो महान खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जहां पर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन को नजरअंदाज किया गया है, साथ में संजू सैमसन को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। ऐसे में दोनों को एशिया कप की टीम में शामिल न करने पर भारतीय दिग्गजों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस दौरान दिग्गजों ने बीसीसीआई को फटकार लगाकर बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अंदर शिखर धवन का शामिल न होना काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला था, क्योंकि शिखर धवन ने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि शिखर धवन को एशिया गेम में शामिल नहीं किया गया, उसके बाद हमें लगने लगा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री होगी, परंतु यहां पर भी उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अगर आप भी किसी खिलाड़ी के खराब प्रदर्शन पर उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद टीम से बाहर का रास्ता दिखाना काफी ज्यादा गलत है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अंदर संजू सैमसन को परमानेंट जगह न मिलने से मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि भारतीय टीम के अंदर संजू सैमसन ने कैसे खिलाड़ी हैं जो तेज और स्पिन गेंदबाजों को बखूबी तरीके से खेलते हैं। ऐसे में सब कॉन्टिनेंट के अंदर होने वाले इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अंदर आप चोटिल केएल राहुल को शामिल कर सकते हैं, तो आपको उनसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी शामिल करना चाहिए था, जो मध्यक्रम में सभी को प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन बीसीसीआई के इस फैसले से मैं नाखुश हूं। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अंदर संजू सैमसन और शिखर धवन को जगह न मिलने से मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम के अंदर मौका पाने के लिए संजू सैमसन और शिखर धवन ने पूरा कार्य किया और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर भी दोनों को एशिया कप में नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अंदर शिखर धवन को तो पूरे तरीके से बिना किसी कारण के बाहर निकाल दिया गया, वहीं संजू सैमसन को युवा और चोटिल खिलाड़ियों के पीछे रखते हुए उनकी तौहीन की है। मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई का यह फैसला सबसे गलत फैसला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के अंदर संजू सैमसन और शिखर धवन को शामिल करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दीजिए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।